वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर पे मैनेजर से संबंधित कार्य करने वाले साथियों, आज मैं आपको पे मैनेजर से संबंधित एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि जुलाई माह का जो इंक्रीमेंट आपको लगाना है किस तरीके से लगाना है और क्या चीज़ें या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पे मैनेजर पर जो इंक्रीमेंट लगना है जुलाई माह का, उसके लिए किस कार्मिक का इंक्रीमेंट लगेगा, किसका नहीं लगेगा, उसके बारे में विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो जानकारी चाहते हैं कि किसको इंक्रीमेंट लगेगा, किस के नहीं लगेगा, या न्यूनतम कितने साल की सेवा अवधि होनी चाहिए, स्थायी अवधि, तो वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। मैं वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले आपको DDO लॉगिन में जा करके किस तरीके से आपको इंक्रीमेंट लगाना। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि सबसे पहले तो आपको ऑफिस ऑर्डर निकालना है कि कार्यालय आदेश जिसको कहेंगे, इंक्रीमेंट का आदेश, कि जिस आदेश क्रमांक के तहत कार्मिक का नाम लिखना है, पद और जो पे मैट्रिक्स है और वर्तमान वेतन लिखना है उनका, यानी 30/6 को जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद में आगामी वेतन वृद्धि की जो तारीख है वो लिखनी है और उसके बाद में जो नया वेतन इंक्रीमेंट के बाद बनेगा वो आपको लिखना है। और इस तरीके से जैसा कि हर साल आप आदेश निकालते हैं उस तरह से कार्यालय आदेश निकालना है। और उस आदेश के बाद में आपको पे मैनेजर पर जा करके किस तरीके से आपको काम करना मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में जाने के बाद में यहाँ जैसे ही मास्टर में आप जाएंगे तो इंक्रीमेंट बेसिक पे आपको क्लिक करना है। इंक्रीमेंट बेसिक पे आपको क्लिक करते ही यहाँ आपके ईयर 2022 आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा और सेलेक्ट पे कमीशन आ जाएगा। तो आपको 7th पे सेलेक्ट करना है क्योंकि अधिकांश जो भी कार्मिक है वो 7th पे में है। कुछ विभागों में अगर 6th पे है तो अलग बात है, बाकी सामान्य रूप से 7th पे है। अब यहाँ आपको कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करना है, जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक हैं उनको आपको एक तो चेक करना है कि जितने भी कार्मिक इंक्रीमेंट लगने योग्य है, यानी जिनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, लगना चाहिए, वो है या नहीं। अगर कोई ऐसा कार्मिक है जो प्रोफेशन और इस लिस्ट में शो हो रहा है, हालांकि शो नहीं होना होगा, लेकिन अगर किसी भी कारण से शो हो रहा है तो आपको वो चेक करना है। दूसरा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें नीचे लिखा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी बिफोर 1 ईयर, कि ज्वाइनिंग की तारीख 1 साल पहले की होनी चाहिए, और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस मस्ट बी बिफोर 6 मंथ्स, यानी रेगुलर सर्विस में आए हुए कम से कम 6 महीने होने चाहिए। और कौन सी तारीख तक कौन से महीने होंगे वो मैंने पूरा उस वीडियो में बताया हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ जैसे मैं जानकारी दे दूँ कि यहाँ जैसे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप सभी कर्मचारी का इंक्रीमेंट लगाना चाहते हो तो यहाँ ऊपर पे क्लिक करेंगे तो आपके सारा सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी का कार्मिक का इंक्रीमेंट रोकना है या किसी भी कारणवश वो लंबे साधारण अवकाश या अन्य किसी कारण से अगर रोकना चाहते हैं तो उसको आप यहां से अनक्लिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे इस ग्रुप के सभी कार्मिक है, चारों कार्मिक है, वो इस इंक्रीमेंट के पात्र हैं, तो इनको यहां लगाने के बाद में यहां प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करते ही मैसेज आ जाएगा कि बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली, यानी कि जो बेसिक है वो इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली, यानी इंक्रीमेंट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि किस तरीके से आपको काम करना है कि सबसे पहले तो प्रत्येक जो भी ग्रुप है आपके पे मैनेजर में, जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आपको इसी तरीके से इंक्रीमेंट आपको बेसिक करना है। दूसरा आप ध्यान रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादा गौर करनी है कि एक तो आपको 7th पे का चार्ट है वो अपने पास में रखना है और उससे मिलान करना है कि किस तरीके जो भी इंक्रीमेंट आपने लगाया है वो सही लगा या नहीं लगा। दूसरा आपको कौन कौन से जो अलाउंसेज है वो प्रभावित होंगे इस इंक्रीमेंट से, यानी किसी कार्मिक की अगर बेसिक चेंज हो जाती है तो कौन कौन से जो प्रभावित होंगे वो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे GPF है, अगर GPF की जो स्लैब है निर्धारित, अगर न्यूनतम स्लैब का कोई कार्मिक है अपना उसने ली हुई है और अगर बेसिक चेंज होने के बाद में वो स्लैब चेंज हो रही है तो आपको वो चेक करना है। उसके बाद में RGSS की स्लैब भी है, वो जैसे कि आपको मैं यहाँ बता दूं कि RGSS की जैसे जो स्लैब है, अब जैसे यहाँ इस तरीके से जैसे पे मैट्रिक्स अप टू 18,000 अगर है तो उसको 265 रुपये है और 18,000 से 33,500 तक है तो 440 रुपये। अगर कोई कार्मिक 33,500 पे था, अब उसका इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसकी जो मूल वेतन है वो 34,000 या 34,000 से ऊपर हो गया, यानी 33,500 से अगर बढ़ गया तो इसका इंक्रीमेंट यहाँ से 440 की जगह 658 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो कोई कार्मिक है जिसके जो मूल वेतन है 54,000 था लेकिन अब 54,000 की जगह 54,500 या 55,000 हो गया, तो जो जिसकी पहले कटौती इसकी RGSS की 658 थी, अब उसकी कटौती 875 हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये प्रत्येक इस टेबल के अनुसार आपको चेक करना है कि जो भी आप इंक्रीमेंट लगाए उसके बाद में किसी कार्मिक की जो स्लैब है RGSS की वो चेंज तो नहीं हो रही। इसके अलावा GPF 2000 की स्लैब है वो भी आपको एक बार देखनी है, क्योंकि GPF 2000 की स्लैब में भी
एक निश्चित बेसिक के हिसाब से स्लैब है, अगर उस कैटेगरी में अगर किसी की बेसिक चेंज हो रही है तो आपको वो भी गौर करना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीए और एचआरए, मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक करना है, डीए और एचआरए जो है वो आपको एक बार और चेक करना है, क्योंकि जैसे मूल वेतन चेंज हो गया तो उसका डीए जो 34% भी है वो भी चेंज होगा, और 9% जो एचआरए हाउस रेंट है वो भी चेंज होगा, तो आपको दोनों मूल वेतन के हिसाब से उनको कैलकुलेट करके, या मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक बार रफ पेज पे या एक्सेल में आप जो नया बेसिक है उसका और उसके बाद में उसका जो डीए और एचआरए जो बन रहा है उसको एक टेबल पे आप लिख लें पेपर पे, और उसके बाद में यहाँ से जब इंक्रीमेंट लगने के बाद में आप चेक करेंगे तो उसको मिलान कर लें कि वो सही है या अगर फ़र्क है। अब फ़र्क किस स्थिति में आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी कार्मिक के जैसे जो भी डीए या एचआरए है वो अगर फार्मूला से होगा तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फार्मूला की जगह अमाउंट है तो आपके उसमें समस्या आ सकती है। अब वो अमाउंट या फार्मूला कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना, और एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, अब जैसे ये मंथ हो गया जुलाई, उसके बाद में यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है आपको 2022, और इसके बाद में यहाँ जैसे जिस ग्रुप का आपने इंक्रीमेंट लगाया था उनके किसी भी कार्मिक को आपको देखना है कि जो भी कार्मिक है उनका अभी जो जैसे वर्तमान में कितना बेसिक है। अब जैसे यहाँ जो बेसिक है वो चेंज हो गया है, पहले बेसिक अलग था, अब इसके लिए आपको अपने पास में टेबल रखनी पड़ेगी या जो भी सारणी होगी उसके अनुसार आपको चेक करना है। और इसके बाद में एक और मैं आपको बता दूँ कि जैसे एक आपने शीट बना दी जिसमें जो नया बेसिक है उसके अनुसार डीए चेंज हुआ या नहीं हुआ, अब इसमें मैं जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा था कि यहाँ जैसे आपके सभी के जैसे यहाँ डीए के आगे एफ लिखा हुआ है, एचआरए के आगे एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब होता है फार्मूला से, तो जितना भी बेसिक होगा उसके अनुसार जो भी फार्मूला जो भी लागू होगा डीए का उसके हिसाब से ऑटो चेंज हो जाएगा, एचआरए भी हो जाएगा। अब इसमें जैसे यहाँ डिडक्शन में है तो यहाँ ए लिखा हुआ है, ए का मतलब अमाउंट यानी कि फिक्स अमाउंट जो इनकम टैक्स का कार्मिक कितना कटवाना चाहता है वो है, इसके अलावा जीपीएफ कितना कटवाना चाहता है वो भी अमाउंट में है, एसआई की भी अमाउंट में है, और आरजीएस है वो स्लैब के अनुसार है। तो ये तो थी जानकारी कि किसी कार्मिक के अगर मान लो चेंज है या बेसिक के हिसाब से जो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे मैं एक दूसरे ग्रुप में बता रहा हूँ जहाँ ये समस्या आती है, तो मैं उनको एक कार्मिक का बता रहा हूँ कि जिसमें किस किस समस्या आ सकती है। अब जैसे यहाँ एक कार्मिक की बात करें तो यहाँ जैसे मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ कि यहाँ बेसिक है वो अमाउंट के हिसाब से, तो अब यहाँ डीए है वो अमाउंट के हिसाब से, जबकि जो एचआर है वो एफ के हिसाब से फार्मूला के हिसाब से, तो फार्मूला के हिसाब से था वो एफ आर ये एचआर वो चेंज हो गया है, लेकिन जो अमाउंट के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे भी ये बेसिक चेंज होना था तो बेसिक चेंज नहीं होगा तो इनका जो भी डीए है वो भी चेंज नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है कि अगर किसी कार्मिक के डीए या एचआरए में एफ की जगह ए है तो आपको उसको मैन्युअली चेक करके अपडेट करना है, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण बात एक तो ये थी कि आपको किसी भी कार्मिक का जो भी है उनका ये ध्यान रखना है, और आरजीएसएस के संबंध में मैंने पहले बता दिया, इसके अलावा एचआरए डीए बता दिया कि मैंने एचआरए में भी और डीए में आपको फार्मूला और अमाउंट वाला ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर आप उसमें विस्तृत जानकारी चाहते तो वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। और एक और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो भी आप आदेश निकाले कार्यालय का आदेश वो आप अपने पास रखें, क्योंकि जब भी बिल एलोकेशन होगा, अब जैसे 15 तारीख के बाद में जब भी बिल एलोकेट हो जाते हैं तब आपके बिल जब कन्फर्मेशन में आएंगे, जैसे यहाँ आप चेक करेंगे यहाँ बिल जैसे अभी तो जैसे नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में सैलरी बिल कन्फर्मेशन में होंगे तब आपके यहाँ जैसे अभी नो डाटा आ रहा है, तो जब बिल यहाँ अलॉट हो जाएंगे एलोकेशन हो जाएगा तब आपको जो भी संबंधित कार्मिक जिस ग्रुप के हैं उनका आदेश है वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा इंक्रीमेंट का आदेश, अन्यथा आपके जुलाई माह के जो वेतन में है वो ट्रेजरी की तरफ से ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो वो जो इंक्रीमेंट का आदेश है वो भी आपको अपलोड करना है, और ये कब करना है कि जब आपके बिल एलोकेशन हो जाए, ये 15 तारीख के बाद की बात है। अभी आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो एक तो आपको पे चार्ट जो 7th पे का जो चार्ट है उसके अनुसार आपको देखना है कि कार्मिक का जो लेवल है, सिर्फ बेसिक नहीं देखना आपको लेवल बताना है। अब मैं आपको एक पे चार्ट भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था आपको 7th पे जो चार्ट है वो विशेष रूप से देखना है। अब जैसे मान लो ध्यान ये रखना है कि जैसे कोई कार्मिक L11 में है,
लेवल 11 में है, और अभी उसकी जो बेसिक है वो 38,900 रुपये है, या मान लो 4,100 रुपये, 40,100 है। तो उसका जो अगला इंक्रीमेंट है उसके अगले सीधी नीचे वाले लैंड में 41,300 होगा। अब ये कि ये जो अमाउंट है वो किसी दूसरे लेवल में भी आ सकता है, जैसे कि मान लो कुछ जैसे अलग अलग जो भी स्लैब है उनमें अलग अलग तरह की जो जैसे अमाउंट दिए हुए है। अब जैसे मान लो आपको जैसे ध्यान ये रखना है कि एल का जो लेवल है 11 है, 10 है, 12 है, जो भी आपको है वो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये जो अमाउंट है वो कई स्लैब में कॉमन है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अभी जैसे कार्मिक मान लो अगर एल 12 में है और अभी उसका वेतन मान लो 51,400 है, तो उसका अगला वेतन है वो 52,900 रुपये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अगले एल 12 की जगह एल 13 में आपको नहीं जाना है, एल 12 में ही उसकी जो नेक्स्ट नीचे का जो स्टेप है उसमें आपको ये चेक करना है कि जैसे जिस कार्मिक का इंक्रीमेंट आपने लगाया है वो पहले मान लो जैसे 56,100 था, तो अब उसका 57,800 रुपये होना चाहिए एल 12 में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आपके सामने या आपके पास में अगर आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो एक तो सेवंथ पे का चार्ट होना चाहिए, आरजीएसएस के जो भी जो टेबल है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया कि आरपीएम की जो जीपीएफ 2004 की जो कटौती है उसकी भी आपके पास में डिटेल होनी चाहिए कि किस बेसिक तक कितनी कटौती है, वो भी उसके लिए मैंने पूरा एक अलग से वीडियो आरजीएसएस के संबंध में पूरे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, और जीपीएफ 2004 के संबंध में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस लेवल बेसिक तक आपको कौन सी कितनी कटौती करनी है। अगर आरजीएसएस में किसी ने ज़्यादा कटौती करवाई है या जीपीएफ 2004 में मान लो जैसे 3,500 रुपये या 3,500 कुछ ऊपर था और उसने 5,000 की कटौती अगर करवाई है तो उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम जो कटौती है अगर उसमें उसके अनुसार नहीं है या वो कटौती अब बदल गई है मूल के अनुसार चेंज हो रही है तो आपको उसको अपडेट करना है। तो ये विशेष बातें मैंने आपको बता दी कि इंक्रीमेंट आपको किस तरीके से लगाना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक समस्या और मैं बता दूं कि कुछ लोगों के गलती से इंक्रीमेंट लग गया या ऐसा हुआ कि दो बार इंक्रीमेंट लग गया, या एक समस्या और आई कि जैसे मान लो किसी एक जो मेरे साथी थे वो बता रहे थे कि उनके बेसिक इंक्रीमेंट लगा दिया लेकिन जून का एक जो बिल था वो ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन में हो गया और उससे पहले ही उन्होंने इंक्रीमेंट लगा लिया। अब जून का बिल जब वापस रिवर्ट करना है, रिवर्ट किया तो बेसिक है वो चेंज हो गई। अब उसको कैसे चेंज करना है उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक है इस वीडियो में दे दूंगा। कि अगर मान लो आपने इंक्रीमेंट लगा दिया और गलती से इंक्रीमेंट गलत लग गया, किसी का नहीं लगाना था फिर भी लग गया, तो उसको आप डिक्रीमेंट कैसे करेंगे उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो उसको भी मैं शीघ्र अपलोड कर लूँगा, तो आप वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी हैं उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।